हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बना रहे हैं इडली डोसा सांभर के साथ खाने वाली चटनी। दो तरह से मैं ये चटनी बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक फ्रेश कोकोनट ले लिया है, आधा इधर कर लिया है छोटे छोटे पीस, आप ग्रेट भी कर सकते हैं, और आधा इधर रख लिया है। और मैंने ये कोकोनट का जो ये स्किन है इसको ऐसे निकाल दिया है, चाकू से आप निकाल सकते हैं, आप ये आलू छीलने वाले चाकू से भी ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, तो इसका हम निकाल देंगे, व्हाइट पार्ट जो है वो रह जाएगा, तो वो कलर जो है कोकोनट चटनी का अच्छा आएगा। ये हमने तड़के के लिए ऑयल लिया है, ये फुटाना दाल है, रोस्टेड चना दाल है, आपके पास नहीं है तो भुना चना भी आप यूज कर सकते हैं, पीनट भी डाल सकते हैं। नमक है स्वाद के अनुसार, राई है, ये राई मस्टर्ड सीड्स सरसों हमने लिए हैं, और ये तीन हरी मिर्च ली है। अगर आप बड़ी यूज कर रहे हैं तो एक ले लें, और छोटी डाल रहे हैं तो दो ले लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हरा धनिया मैंने एक ऐसे मुट्ठी अच्छे से ले लिया है, देख सकते हैं आप, एक कप है, जिसको अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। और ये ली है हमने कुछ करी लीव्स और सूखी हुई लाल मिर्च, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में ये आधा कोकोनट जो फ्रेश नारियल है उसको डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और ये तीन चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें रोस्टेड चना दाल, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी, और इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, पहले हमने थोड़ा पानी डाल के इसको पीसा है, ये इस तरह से हो गया है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी मैं इसका। और ये देखिए, मैंने आपको अपने किचन के टिप्स में बता रखा है कि मैंने कैसे पल्प को, इमली के पल्प को सेव कर लिया है, तो इसको हम एक क्यूब को डालेंगे। ये देखिए, इमली अगर ऐसे आपके पास क्यूब हो तो बहुत अच्छा रहता है। और अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ ये पेस्ट बन गया है, बहुत अच्छी ये चटनी बनकर तैयार है। जितनी थिक चाहिए, जितनी आपको कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, उतना आप इसको रख सकते हैं। इसको एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिए, ये व्हाइट चटनी बनकर तैयार है, कितनी बढ़िया है। और क्योंकि हमने नारियल का जो छिलका है वो निकाल दिया, तो ये बहुत व्हाइट बनी है। अब हम इसी जार में दूसरी चटनी बनाएंगे। आप ये ध्यान रखिए, अगर ये दोनों आप साथ में बना रहे हैं तो आप पहले व्हाइट बनाइए, फिर आप ये ग्रीन चटनी बनाइए। तो जो आधा बचा हुआ नारियल है वो हमने इसमें डाल दिया है, और हरी मिर्च डाल दी है इसमें, उसमें भी हरी मिर्च डाली है हमने, मैंने आपको बताना भूल गई हूं। और ये हमने डाला धनिया, जो अच्छे से साफ किया हुआ है, और स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक, और इमली डालेंगे हम इसमें, जो हमने इमली का क्यूब बना रखी है उसको डालेंगे। अगर आपको इमली नहीं है आपके पास तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम करते हैं ग्राइंड थोड़ा पानी डालने के बाद, और उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि एक या दो हरी मिर्च आप उसमें जरूर डालें। इसके अंदर देखिए, ये कोर्सली ग्राइंड हो गया है। अब हम केवल एक चम्मच ये चना इसमें डालेंगे, चना दाल, और थोड़ा सा पानी फिर से डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। चारों तरफ से हमने इसको साफ कर लिया है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आप जैसा खाना चाहते हैं, आप पतली खाना चाहते हैं, आप दरदरी खाना चाहते हैं, उसी तरह से आप इसको पीस सकते हैं। और ये देखिए, परफेक्ट चटनी बनकर तैयार है। ये चटनियां अगर आप इडली सांभर डोसा इनके साथ बनाते हैं, अप्पम के साथ बनाते हैं, किसी के साथ भी, तो चार चांद लगा देती हैं टेस्ट में। तो आइए इसको भी बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए।
देखिए परफेक्ट चटनी बनी है। तो अब हम इसका करते हैं तड़के की तैयारी। तो सबसे पहले हमने तेल को गरम कर लिया है तड़का पैन में, और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें राई, सरसों के दाने, और दो तीन डालेंगे हम इसमें तीन से चार करी लीव्स, और इसको बंद कर देंगे गैस को। और ये हम इसमें चटनी में ऊपर से डाल देंगे। देखिए कितनी फर्स्ट क्लास चटनी बनकर तैयार है। दूसरा तड़का बनाते हैं। एक टीस्पून तेल हमने गरम कर लिया है, उसमें राई डाल दी है, कुछ करी लीव्स डाल देंगे, गैस को ऑफ कर दिया हमने, और इसमें डालेंगे हम ये सूखी लाल मिर्च, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और तड़का डाल देंगे चटनी में। ये देखिए, तो यानी आप कैसे भी ऐसे तड़का लगा के अपनी सुंदर सी चटनी, टेस्टी सी चटनी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।